अस्सलाम वालेकुम। सो ओ टू बिजनेस, लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट क्लास। HRM purposes and role, क्या रोल होते हैं HRM के, और ये जस्ट थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड इंट्रोडक्शन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट है, टैलेंट मैनेजमेंट है, सक्सेशन एंड करियर प्लानिंग, लेबर रिलेशंस, HR प्लानिंग, ये क्या है सारे काम? ये वो काम हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट काम करता है, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो बुक कीपिंग करता है, कैश को मैनेज करना, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो एड्स लॉन्च करना या सेल्स करना या रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द मार्केट। तो सिमिलरली ये सारी फंक्शंस कहेंगे HRM के। वर्कफोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वर्कफोर्स प्लानिंग एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द स्किल्स ऑफ दोज वर्कर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड बाय द organization to achieve its objectives. Workforce audit, a check on the skills and qualifications of all existing workers. The number of staff required depends on forecast demand for the firm's products, the productivity level of staff, the objectives of the business, changes in the law regarding workers' right, labor turnover and absenteeism rate. The skills of the staff required depends on the technological change in the industry, the need for flexible and multi-staff. बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कफोर्स प्लानिंग में राइट पर राइट पीपल एट द राइट स्किल्स फॉर द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द राइट कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें राइट होंगी तो फिर आपको जो है सही एम्प्लॉय मिलेगा अपने बिजनेस के लिए। रिक्रूटमेंट वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास ऑल द स्टेप्स इन डिटेल, लेट्स मूव ऑन। ट्रेनिंग ऑलरेडी डिस्कस ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब इंडक्शन ट्रेनिंग। Staff appraisal, the process of assessing the effectiveness of an employee judge against pre-set objectives. तो जैसे ये टेस्ट सिस्टम होता है स्कूल में, तो इसी तरह स्टाफ अप्रेजल होता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाए कि भाई हाँ ये एम्प्लॉय सही कर रहा है ये नहीं कर रहा, और ज़्यादा स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है लीगल डॉक्यूमेंट दैट सेट्स आउट द टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग अ वर्कर्स जॉब। टेम्प्ररी, पार्ट टाइम, फ्लेक्सी टाइम, the temporary employment contracts that last for a fixed time period, example 6 months, part time employee contract that is for less than the normal full working week. Full working week hota hai 40 hours ka, 5 din Monday to Friday. Flexi time employment contract that allows a staff to be called in at times most convenient to employers and employees. The flexible 9 to 5 nahi hota, apne hisab se kar lein, 7 to 4 kar lein, 6 to 3 kar lein, ya log bahut se late utne wale hain to 11 baje se onwards kar lein. ठीक है, आउटसोर्सिंग, नॉट एम्प्लॉइंग स्टाफ डायरेक्टली बट यूजिंग एन आउटसाइड एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट सम बिजनेस फंक्शंस। फिर एक टेली वर्किंग कॉन्सेप्ट, जैसे हमारा बेस्ट आजकल है कि वर्किंग फ्रॉम होम, स्टाफ वर्किंग फ्रॉम होम बट कीपिंग कॉन्टेक्ट विद ऑफिस बाई मीन्स ऑफ मॉडर्न आई टी कम्युनिकेशन, जूम क्लासेस हो रही है हमारी, जितने ज्यादातर ऑफिस स्पेशली जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था सारे घर से बैठ के काम होता है, परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारी। और बाकी देखते हैं चीजें जो फंक्शंस हैं इसके। ये भी कर लिया हमने लास्ट क्लास में। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट्स करते और ये कि किस के थ्रू होती है, वी ऑलरेडी गॉट डन ऑल द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स एंड सो ऑन। एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड सीवी एंड रिज्यूमेस जो कि जॉब स्पेसिफिकेशन होता है, ये चीज़ें होनी चाहिए, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरेस्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ रेफरेंस, ये सारा प्रोसेस जो है टिपिकली स्पीकिंग ये चल रहा है आपके रिक्रूटमेंट का।
ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने दूसरे एंगल से देखा, इस एंगल से भी देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नेम एम्प्लॉयर कब टाइटल होना चाहिए, डेट व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज टू बिगिन, आवर्स टू बी वर्क, आगे सारी चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट में आते हैं। वर्कर ये ना बोले कि नहीं ये मेरे टाइमिंग्स नहीं है या ये मेरी जेडी नहीं है, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं। व्हेन पेमेंट विल बी मेड, हॉलीडे एंटाइटलमेंट होती है, अमाउंट ऑफ नोटिस टू बी गिवन, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लाइक वी डिस्कस अर्लियर। ट्रेनिंग ऑन द जॉब ऑफ द जॉब एंड इंडक्शन ट्रेनिंग्स होती हैं। नाउ सिचुएशन इन विच डाउनसाइजिंग ऑफ वर्कफोर्स इज नेसेसरी, वर्कफोर्स प्लानिंग इज वेयर द बिजनेस विल नीड टू डिसाइड ऑन द टाइप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीड इन द फ्यूचर। आजकल COVID-19 या पेंडेमिक की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, यानी मैं चाह भी नहीं रहा लेकिन फिर भी आई एम द वन के जो मुझे न्यूज़ बतानी पड़ेगी कि यू आर नॉट नीडेड एनी मोर, आपकी ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि कंपनी लॉसेस में सफ़र कर रही है, हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोग पूरी दुनिया में जो हैं वो अब जॉबलेस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक सिचुएशन। तो इस वर्क फोर्स प्लानिंग में भी ये पार्ट आ जाता है कि आपको जो है डाउन साइज करना पड़ता है, कि जाहिर है कि एक्सपेंड भी करते हैं तो डाउन साइज भी करते हैं। एक्सपेंशन कब होती है? ग्रोथ में, रिसेशन में आपकी डाउन साइज होती है व्हेन द इकोनॉमी इज काइंड ऑफ स्लो डाउन। वर्क फोर्स प्लानिंग इज वेयर द बिजनेस विल नीड टू डिसाइड ऑन द टाइप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड इन द फ्यूचर। द नंबर रिक्वायर्ड विल डिपेंड अपॉन द फर्म सेल्स फोरकास्ट इट्स फ्यूचर प्लान सच एज एक्सपेंशन और ऑटोमेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोड्यूसिंग न्यू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, often businesses will require additional employees when they are expanding, but sometimes they will need to downsize the workforce, reduce the number of employees. This can be because introduction of automation, falling demand for their goods or services, factory shop, office closure, relocating their factory abroad. A business has merged or taken over and some jobs have some surplus to requirements in the newly combined business. अब हमने फर्क देखना है डिसमिसल और रिडंडेंसी का। डिसमिसल, दिस इज वेयर अ वर्कर इज टोल्ड टू लीव देयर जॉब बिकॉज देयर वर्क और बिहेवियर इज अनसैटिस्फैक्टरी। Now, so हम डिफरेंस देख रहे थे कि डिसमिसल और रिडंडेंसी क्या क्या डिफरेंस होता है। डिसमिसल, दिस इज वेयर अ वर्कर इज टोल्ड टू लीव देयर जॉब बिकॉज देयर वर्क और बिहेवियर इज अनसैटिस्फैक्टरी। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉई हु वॉज कॉन्स्टेंटली लेट फॉर वर्क एंड हु डिस्पाइट बींग गिवन वार्निंग्स कंटिन्यूड टू बी लेट वुड प्रोबब्ली टू बी डिसमिस। एन एम्प्लॉई हु वॉज गॉट स्टीलिंग और हु वॉज अनएबल टू डू द जॉब to a satisfactory standard would be dismissed. In some countries, an employee can take the business to the court if they feel they were unfairly dismissed. इसलिए बड़ा ख्याल करना पड़ता है dismiss करते हैं, पहली warning writing में, second in writing, और फिर जो है then you are going to say कि okay आपको ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बहुत देखा आपको, आपको बड़ी warnings दी, आपको बड़ी बताया कि प्यार से भी समझाया कि भाई ये जो है आपने हैबिचुअल लेट नहीं होना, या जो है चोरी पे तो फिर टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है और उस पर फौरन ही डिसमिस कर दिया जाता है।
और ये बड़ा खतरनाक होता है एम्प्लॉई के लिए, वर्कर्स के लिए, क्योंकि जब दूसरी जॉब पे होता है तो हमेशा पुरानी जॉब का रेफरेंस मांगा जाता है, उन्हें कॉल किया जाता है और वो अगर बता देंगे हाँ इसने चोरी की थी, हैबिचुअल लेट था या डिसमिस किया गया था, तो उसके बड़े रेयर चांसेस होते हैं कि उसको जॉब मिलेगी, तो वो जो है उसका सारा रिकॉर्ड खराब हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन चेक करें तो दो बड़े मशहूर केस स्टडीज हैं, एक न्यूयॉर्क का और एक जो है जो मिलियन पाउंड कमाता था, तो वो जो है यूके का, दोनों जस्ट बिकॉज यूएस का केस ये था कि वो पूरा टिकट नहीं लेता था अपना ट्रेन का, सबवे का न्यूयॉर्क में, और यूके का उसने ही जस्ट स्टोल सैंडविच, एक सैंडविच चुराने पे, चोरी तो चोरी होती है ठीक है, तो वो उसकी वजह से जो है ही हैड टू यू नो कमरे में आ गया, तो उसको बोला कि ओके यू आर नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर ठीक है, बिकॉज इट इज अनएथिकल। रिडंडेंसी जो कि पेंडेमिक है COVID-19 की वजह से, देर मे बी इक्वेशंस व्हेन अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विल नो लॉन्गर बी नीडेड थ्रू नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ फॉलिंग सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिक रिसेशन ठीक है, या फिर व्हेन एम्प्लॉयज मेड रिडंडेंट दे मे बी गिवन सम मनी टू कंपनसेट देम फॉर लूजिंग देयर जॉब। इन सम कंट्रीज दिस इज लेड डाउन इन लॉ, फॉर एग्जाम्पल वीक्स वेज फॉर एवरी ईयर दैट द एम्प्लॉय हैज वर्क फॉर द बिजनेस। The following factors help a business to decide which workers to make redundant, which to retain. पूरी मीटिंग्स होती हैं, सबको बुलाया जाता है और फिर देखा ये पॉइंट्स को देखते हुए देखा जाता है किसको रखना है और किसको जो है नहीं रखना है। Some workers may volunteer because they may have another job they can go to. They want to retire early or want to start their own business. Length of time employed by the business. Workers who have worked for the business for a long time are often retained. They will have the most experience and be the most expensive to make redundant if redundancy payments are made. Workers with essential skills that are needed by the business or whose skills could be transferable to other departments are often retained. Employment history of the worker, whether they have a good, poor attendance, punctuality, or appraisal record. Which department of the business need to lose workers and which need to retain workers depend karta hai. लीगल कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज फिर आ जाते हैं कि भाई आपने बड़ा ख्याल करना पड़ता है कि उसको जो है ऐसा तो नहीं है कि अगेंस्ट अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन हो या हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क का होगा ठीक है, वेज प्रोटेक्शन का, तो केसेस हो जाते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर डिसमिसल। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक अ चॉइस, द डिस्क्रिमिनेशन वी आर कंसर्न विद हियर इट इज बेस्ड ऑन अनफेयर रीजन, फॉर एग्जाम्पल सम एम्प्लॉयर्स डिस्क्रिमिनेट अनफेयरली अगेंस्ट वर्कर पीपल अप्लाइंग फॉर जॉब बिकॉज दे और फॉर डिफरेंट रेस और कलर बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजन, तो हायरिंग पे भी और फायरिंग पे भी इनका जो है वो ये कि डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, इसलिए बड़ा ख्याल करना होता है कि इस कंपनी के इस बिजनेस के साथ हमने मोस्ट ऑफ आवर प्राइम टाइम जो होता है तो वो जो है हम किसके साथ गुजर रहे हैं। आर ऑफ द ऑपोजिट सेक्स बैंक हेल्पिंग की पॉलिसी है, किसी भी फीमेल को जो है वो उन्होंने जॉब नहीं देनी। आर कंसिडर टू ओल्ड यंग फॉर द जॉब, आर डिसेबल इन सम वे, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर नहीं है, तो ये चीज़ें बड़ा देखना होता है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क HR को देखना होता है कि प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम डेंजरस मशीनरी, फैक्ट्री में बहुत से लोग जो है बेचारे उनके हाथ कट जाते हैं, पाँव कट जाते हैं, उंगलियाँ, क्योंकि उसमें जो है वो सही तरह शील्ड नहीं लगी या प्रोटेक्टिव जाली नहीं लगी हुई होती। प्रोवाइड सेफ्टी इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग, मेंटेन रीजनेबल वर्क प्लेट वर्क टेम्परेचर्स ठीक है, गर्मी बहुत होती है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, अब देखे ना अगर लाइट गई भी हो तो आपकी एफिशिएंसी कैसी होती है, क्लास ही नहीं ली जाती। और फिर जो आग लग जाए तो आपने देखना होता है कि एग्जिट्स हों, जैसे कि बल्दिया में आग लगी थी, कॉटन बेचारे 350 लोग जल गए, क्यों, क्योंकि ग्रिल्स लगी थी, निकलने का रास्ता नहीं था उनके, तो बेचारे अंदर ही जल गए। या फिर रीजेंट प्लाजा में जो आग लगी थी तो उसमें जो एम्प्लॉयज मर गए या जो गैस वगैरह, तो ये सारी किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, HR के ऊपर, या जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो एक्सपायर तो नहीं है, तो बड़ा ख्याल करना पड़ता है। डू नॉट इंसिस्ट ऑन एक्सेसिवली लॉन्ग शिफ्ट्स एंड प्रोवाइड ब्रेक्स इन द वर्क टाइम टेबल। हेल्थ एंड सेफ्टी रेस्टोरेंट्स में बहुत ज्यादा डेलीगेट है कि अगर जैसे कि एरिजोना ग्रिल में हुआ कि एक्सपायर मीट था और पुराना वो खा के बच्चे मर गए थे, तो ये सारी किस पे आती है मोस्टली अगर HR डिपार्टमेंट है या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है तो उनके ऊपर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर डिसमिसल कैसे हो सकता है, फॉर ज्वाइनिंग अ ट्रेड यूनियन, फॉर बीइंग प्रेग्नेंट विद नो वार्निंग्स आर गिवन बिफोर डिसमिसल। और वेज प्रोटेक्शन, द वेज रेट टू बी पेड, हाउ फ्रीक्वेंटली वेजेस विल बी पेड, व्हाट डिडक्शंस विल बी मेड,
तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपको बता रहा होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है आपको जो कि नाउ यू आर सेफ एंड ऑल। दूसरे चैप्टर का हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था, लेकिन इससे जो रिलेटेड है वो जैसे कि ट्रेड यूनियंस वगैरह का है तो वी कुड लुक इनटू, बिकॉज इट हैज टू डू विद द वर्कर्स। ठीक है जी। ट्रेड यूनियंस एम्प्लॉयज जनरली शेयर मेनी ऑफ द सेम इंटरेस्ट सच एज इम्प्रूविंग देयर पे, हैविंग अ प्लेजेंट एनवायरनमेंट इन विच टू वर्क, बीइंग ट्रीटेड फेयरली बाय देयर एम्प्लॉयर, बीइंग गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग्स एंड वर्किंग इन अ सेफ एनवायरनमेंट। फॉर्मिंग अ ट्रेड यूनियन इन अ वे ऑफ हेल्पिंग एम्प्लॉयज हाउ टू अचीव इम्प्रूवमेंट्स इन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयड। अ ट्रेड यूनियन इज अ टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप। तो यूजली क्या होता है, अगर हम लेफ्ट साइड पे डेफिनेशन देखें, अ ट्रेड यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु हैव जॉइंड टुगेदर टू इंश्योर द इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, कि उनके अनफेयर जो है उनके साथ रवैया नहीं रखा जाएगा, उनकी सैलरी टाइम पे दी जाएगी। ठीक है। अब वाई वर्कर क्यों ज्वाइन कर रहा होता है ट्रेड यूनियन को, कि व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स वर्क दे मे बी आस्क्ड बाय समवन हु रिप्रेजेंट अ ट्रेड यूनियन इफ दे वांट टू ज्वाइन। इफ द वर्कर डिसाइड टू ज्वाइन अ ट्रेड यूनियन दे विल पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन। सो व्हाट बेनिफिट डज द एम्प्लॉय रिसीव इन एक्सचेंज फॉर देयर सब्सक्रिप्शन। स्ट्रेंथ्स इन नंबर जाहिर है कि आप जब नंबर में आप ट्रेड यूनियन मेंबर हो तो आपकी सही होगी। इम्प्रूव कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, कोई मसला है तो रेट ऑफ पेमेंट में, हॉलीडे, आवर ऑफ वर्क, आप जाके बात कर सकते हो कि भाई ये देखें ये इस तरह जो है मेरे साथ ज्यादती हो रही है। इम्प्रूव एनवायरमेंट वेयर पीपल वर्क, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ सेफ्टी, नॉइज, सीटिंग वगैरह, तो आपके डिपार्टमेंट सही होगा, आपके जो है वहाँ पे फैसिलिटीज मिलेंगे। ठीक है। इम्प्रूव बेनिफिट्स ऑफ मेंबर्स हु आर नॉट वर्किंग बिकॉज दे आर सिक, रिटायर्ड, हैव बीन मेड रिडंडेंट, यानी ये कि आपको जो है पेड लीव मिल सकती है। ठीक है। और अदर बेनिफिट्स, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन बाय इंकरेजिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग चांस आपको मिल सकते हैं, तो क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ा हाथ होगा जो कि ट्रेड यूनियन का, तो मैनेजमेंट भी सोचती है कि हाँ ये तो लेबर यूनियन का बंदा है तो इसका ज़रा ख्याल रखें। एडवाइस और फाइनेंशियल सपोर्ट इफ अ मेंबर थिंक्स दैट ही हैव बीन अनफेयरली डिसमिस, बेनिफिट्स दैट हैव बीन नेगोशिएटेड और प्रोवाइडेड फॉर यूनियन मेंबर्स सच एज डिस्काउंट इन सर्टेन शॉप्स, प्रोविजन ऑफ स्पोर्टिंग फैसिलिटीज और क्लब्स, एम्प्लॉयमेंट बाय द वे देयर इज अ क्लोज शॉप। अब क्लोज शॉप क्या होती है, जहाँ पे अगर हम देखें लेफ्ट पे डेफिनेशन, ऑल एम्प्लॉयज मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द सेम ट्रेड यूनियन, जैसे केई में जाए तो तीन चार यूनियंस बन जाएंगी। ठीक है। तो अगर सेम के हैं तो वो क्लोज शॉप कहलाएगी। हाउएवर देयर इज डिसएडवांटेज टू एन एम्प्लॉई ऑफ ट्रेड यूनियन, हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कॉस्ट आएगी, मे बी रिक्वायर टू टेक इंडस्ट्रियल एक्शन, वो नहीं चाह रहा तब भी उसको, क्योंकि वो पार्ट है तो स्ट्राइक का हिस्सा लेना पड़ेगा। ट्रेड यूनियन ऑल्सो सीक टू पुट फॉरवर्ड देयर वोट टू मीडिया एंड इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन, इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। सो दिस द समरी ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग अ ट्रेड यूनियन। फिर हम स्टाइल ऑफ लीडरशिप थोड़ा देख लेते हैं। लीडरशिप स्टाइल आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू डीलिंग विद पीपल व्हेन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, ऑटोक्रेटिक, लेसिस्फेयर और डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज द वेयर द मैनेजर एक्सपेक्ट्स टू बी इन चार्ज ऑफ द बिजनेस एंड टू हैव देयर ऑर्डर्स फॉलोड, दे कीप देमसेल्फ सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, दे मेक वर्चुअली ऑल द डिसीजंस and keep information to themselves. They tell employees only what they need to know. Communication in the business may be one way, and that is downward or top down, and the workers have little or no opportunity to comment on anything. Democratic leadership will get other employees involved in the decision making process. Information about future plans will be openly discussed before the final decisions will be made. Often by the leader, communication will be both downward or top down and upward or bottom up. Laissez-faire French for leave to do tends to make the broad objectives of the business known to employees, but then they are left to make their own objectives. Communication can be difficult, and this type of organization, as clear direction will not be given.
The leader has only a very limited to play. The style of leadership used by a manager can vary depending on the employee being dealt with and the problem to be solved. पहले पढ़ लेते हैं फिर उसको समझ भी लेंगे और different examples की मदद से. Managers may not be autocratic leader all the time. It may be appropriate for them to be democratic over some issues, whereas other will need a decision imposing on the workforce. Do X autocratic, do X or Y as you see fit, less is fair, which is best, X or Y, democratic. अच्छा अब इसमें ये बोला कि वो according to the scenario, according to the condition जो है वो फिर कभी democratic होता है autocratic. तो बिल्कुल सही है. companies के rules and regulations जैसे pending COVID-19 में SOPs follow करनी है. अगर employees follow नहीं करेंगे तो इस पे autocratic होना चाहिए, कोई जो है compromise नहीं होगा. क्योंकि एक की वजह से अगर वो करियर है तो फिर जो है वो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर देगा. जी बाकी जो डेली रूटीन है उसमें आपका डेमोक्रेटिक रहेगा कि ठीक है आपको गिवन ऑप्शन दिया जाएगा. ठीक है और लेस इज फेयर क्या होता है कि व्हेन सारी चॉइस छोड़ दी जाती है कि सो दे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, स्पेशली आर्टिस्ट हो गए या मार्केटिंग वगैरह के क्रिएटिव वर्क में स्पेशली देखा जाए. स्टूडेंट्स की मैं इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि भाई स्कूल यूनिफॉर्म 8 बजे आना है क्लास, ठीक है असेंबली अटेंड करनी है 8 से पहले आना है, तो ये इस पे ऑटोक्रेटिक होगा. क्लास में वन वे कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, स्टूडेंट को समझ नहीं होगा, सपोज टू बी टू वे, डेमोक्रेटिक इज पॉसिबल. ठीक है कि क्लास का डिसिप्लिन भी रखना है और स्टूडेंट को चॉइस भी कि वो सवाल कर सकता है. लेसेस फेयर जब ब्रेक टाइम होता है आप यू आर जस्ट यू नो बी योर सेल्फ, बिल्कुल अपने जैसे जस्ट लाइक घर में होते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, यू जस्ट हैव वेरी गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स, यू आर योर इन योर ओन. ठीक है और आप स्टीरियोटाइप नहीं हो तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लेसेस फेयर. डेलीगेशन मीन्स गिविंग अ सबऑर्डिनेट द अथॉरिटी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन फॉर द मैनेजर, मैनेजर कैन डू एवरीथिंग एवरी जॉब देमसेल्फ्स, सो एज वी हैव सीन तो इट वाज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड टू कंट्रोल ऑफ द रनिंग ऑफ द कोजी कॉर्नर बाय हिमसेल्फ. हमने ये स्टडी पढ़ी थी कोजी कॉर्नर की, बट एनी वेज मैनेजर का ये फायदा होता है और मैनेजर्स कैन मेजर द सक्सेस ऑफ देयर स्टाफ मोर इजीली, क्योंकि डेलीगेट कर लिया पता ही ये टारगेट्स हैं ये अचीव करना है ये करें. सबऑर्डिनेट को क्या होगा, द वर्क्स बिकम मोर इंटरेस्टिंग एंड रिवॉर्डिंग, द एम्प्लॉय फील्स मोर इंपॉर्टेंट, बिलीव्स दैट ट्रस्ट इज बीइंग पुट इन देम. ठीक है तो डेलीगेशन हेल्प्स टू ट्रेन वर्कर्स एंड दे कैन मेक प्रोग्रेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट गिव देम करियर अपॉर्चुनिटीज. अब ये भी आता है कि व्हाई माइट अ मैनेजर नॉट डिलीवर, वो क्यों वो डर होता है कि भाई ऐसा ना हो कि मेरी जगह पे कोई ले ले. ठीक है मेरी जॉब का क्या होगा. डिस्पाइट द एडवांटेज देयर आर सम मैनेजर्स हु आर रिलक्टेंट डेलीगेट, सम मे बी अफ्रेड दैट देयर सबऑर्डिनेट माइट फेल एंड द मैनेजर वांट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग बाय देमसेल्फ, ऑल्सो देयर इज अ रिस्क दैट सबऑर्डिनेट्स माइट डू अ बेटर जॉब देन द मैनेजर, दिस कुड मेक द मैनेजर फील इनसिक्योर कि चलो भाई अब मेरी छुट्टी हो जाएगी. एंड सो ऑन. तो आज इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह, देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. और ये कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कैच अप विद द नेक्स्ट क्लास.